में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एके रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणास पढ़ाया जा रहा था। 300 प्रकार की रामायण होती है, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा था, इस आर्टिकल में क्या था मैं बताना चाहूंगी। रावण की छींक से सीता पैदा हुई। रावण सीता का बाप था। रावण ने 8 महीने का गर्भ धारण किया। उसको घर से बाहर जाने में शर्म महसूस होती थी। 8वें महीने में उसको जोर से छींक आई, उसकी नाक से सीता पैदा हुई। बीए पास कोर्स एंशिएंट कल्चर इन इंडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी 2008 में एके रामानुजन का आर्टिकल, जिसकी कंपाइलेशन की थी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी उपेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्या पढ़ाया जा रहा था उसी कोर्स में, लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और हनुमान लंका में रात को विचरते थे देखने के लिए कि शयन कक्षों में क्या हो रहा है। यह आर्टिकल पढ़कर किसी भी राष्ट्रभक्त के सीने में आग लग सकती है। हमने 2012 में ये केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है बी मोर टॉलरेंट, अल्टीमेटली कहती है कि वी हैव नो ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केजी बालकृष्ण जी थे, वी कांट डू एनीथिंग इन दिस, बट यस वी गिव यू लिबर्टी, यू गो टू वाइस चांसलर, स्टेट दीज फैक्ट्स बिफोर द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर के पास गए, लगातार 1-2 साल के प्रयास के बाद अकेडमिक काउंसिल ने 2011 में इस कोर्स को विथड्रॉ कर लिया। सिंपल सा एक केस था, रोज दसियों केसेस होते हैं, उसमें एक ये केस भी था। लेकिन जैसे ही वे विथड्रॉ हुआ, पहला फोन बीबीसी से आया, वी वांट टू हैव अ डिबेट। दूसरा फोन न्यूयॉर्क टाइम्स से आया। तीसरा फ्रेंच न्यूज़पेपर से फोन नहीं आया, उनका जर्नलिस्ट ऑफिस में बैठा हुआ था, ये कहते हुए, व्हाट इज द रीजन फॉर कर्बिंग ऑफ फ्री स्पीच इन इंडिया एंड बैन ऑन एके रामानुजन आर्टिकल। ये हेडलाइंस बनी थी, अगर आपको ध्यान हो 2011 के आसपास पैनल डिस्कशन शुरू हुई, जिसमें टॉपिक्स थे तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेपरेशन ऑफ एजुकेशन, हिंदू फ्रिंज, हिंदू लंपेड एलिमेंट्स, ये उस समय की हेडलाइंस बनी। हमें लगा कि क्या हम फ्रिंज हो गए, क्या हम लंपेन हो गए। हमने कहा कि भैया मिस कोट मत करो, सीता का बाप रावण नहीं था, वो किडनैपर था, एबडक्टर था वो, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और क्या आप मानेंगे, केवल यहीं पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, जिस दिन ये आर्टिकल विथड्रॉ हुआ उसके बाद बवाल आ गया, और ये जो बौद्धिक आतंकवादी हैं, इनके इतने जबरदस्त लिंक हैं, पहली बार ध्यान आया मुझे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर, फ्रांस से लेकर, बीबीसी से लेकर, इनकी पूरी चेन चलती है, जिसमें एनजीओज होती हैं, ह्यूमैनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन सब ने कंडेम किया। हम चुप रहे हैं, क्योंकि दीज एक्सपोनेंट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर द मोस्ट intolerant, and now I can say they were terrorists.